फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज मैं आपके सामने वो चीज लेके आ रहा हूँ जो किसी भी DI, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किसी भी नंबर सीरीज या फिर किसी भी पजल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम RRV को क्रैक करेंगे, ठीक है ना। और ये मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। मैं हर वो आपको चीज दूंगा जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना और इसको अप्लाई करना, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी आपके पास 10 डेज हैं, ओके। अब 10 डेज में क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज फोकस रखिए, ठीक है। हर चीज आपको इंपॉर्टेंट यहां दिखेगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आते हैं हम क्वांट सेक्शन पे। रीजनिंग की मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। पहले क्वांट सेक्शन पे आ जाते हैं। क्वांट सेक्शन फ्रेंड्स 40 मार्क्स का है, ठीक है। बात आती है क्वांट सेक्शन की तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स नजर आते होंगे, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, DIN, अरिथमेटिक, ठीक है। मैं आपसे फ्रेंड्स कहना चाहूंगा इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले होता है, ये 45 मिनट्स है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ यही है, क्यों है, सबसे ज़्यादा डेंजर क्यों आता है इसमें, क्योंकि ये 45 मिनट्स हमें क्वांट और रीजनिंग में इस तरीके से डिवाइड करने होते हैं जिससे हम अपना स्कोप बढ़ा सकें, बूस्ट कर सकें। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी रखें आप, ठीक है, मैं कहूँगा कि आप 110% एक्यूरेसी रखें। फ्रेंड्स समझ रहे हैं मेरी बात, 110 क्यों, आप जो करेंगे उससे ज्यादा मार्क्स आपके डेफिनेटली आपको आएंगे, क्योंकि बैंक का एग्जाम में स्केलिंग होती है फ्रेंड्स। तो आप अपनी एक्यूरेसी रखेंगे ना तो आप इतने लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जिसकी आप पॉसिबिलिटी भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आप मैथ में 20 क्वेश्चन करके आए और आपके 200 के 200 राइट हैं तो आपको 22.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स, इतना तक मैंने देखा है। 2.5 नंबर का बोनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेटजी पे आते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मेरे दोस्तों बस आप एक बात समझ लें, जितना भी आपने पढ़ा है वो इस एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपने जितना भी आज तक पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है। अब क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर चीज को क्रैक करने के लिए एक प्लान होता है और जब तक हम किसी चीज को प्लान नहीं करेंगे ना हम कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कहां मार्क्स गेन कर सकते हैं और कहां हमें छोड़ना है। सबसे पहली बात है छोड़ना। इसमें नंबर सीरीज, आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता देता हूं फ्रेंड्स, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे 1000 पैटर्न क्यों ना पढ़ लें, वहां दिमाग में आना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जो नहीं आया तो डेफिनेट सी बात है, मैं कहता हूं 3 ही क्वेश्चन करो, लेकिन आप करो 2 मिनट में 3 क्वेश्चन, और 2 मिनट में 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके 2 मिनट में होंगे। उन 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन में मत फंसना जिनका पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखते ही छोड़नी है। अगर ये चीज आपने अपना ली ना फ्रेंड्स, कि हमें अपने ईगो पे कोई चीज नहीं ली कि मुझे नंबर सीरीज, मैंने बहुत सारे पैटर्न किए लगा के देखता हूं, ये लग जाएगा लगा के देखता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं जो कह रहा हूं आपसे वो फोकस रखिए कि आपको अगर 3 आ रही है 3 कीजिए, 2 आ रही है 2 कीजिए, टाइम वेस्ट 1 सेकंड भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए और ये देगा आपको 5 में से 5, और इजी आएगा, डेफिनेटली आपको 5 में से 5 नंबर यहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। नंबर सीरीज आपको बस एट ए ग्लांस, मतलब एक झलक में देखनी है और इसके 3 क्वेश्चन आपको क्रैक करने। मैं डेफिनेटली बोला हो जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको और भी पैटर्न कराऊंगा, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। 10 डेज की स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं कि करना क्या है बस, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, भाई साहब ये 100% मार्क्स देगा आपको और एक्यूरेट मार्क्स देगा, जो कि एक्यूरेसी में एक नंबर इधर से उधर नहीं हो सकता, डेफिनेटली नंबर सीरीज में भी यही केस है, एक नंबर इधर से उधर नहीं होगा अगर आपने पैटर्न बदल लिया, पैटर्न पता लगा लिया तो। तो यहां से आप आराम से 5 और 5 10 और 3 13 मार्क्स ला सकते हैं, 15 क्वेश्चंस के 13 मार्क्स 8 मिनट में कह रहा हूं, ये बहुत सही कह रहा हूं फ्रेंड्स। इतना मतलब ऐसा मत सोचिए कि ऐसा हाई लेवल का पेपर आ जाएगा कि हमसे होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा तो इस जो हमारा एग्जाम में बैठा है ना किसी से भी बंदे से नहीं होगा, सबके लिए वो लेवल हार्ड रहने वाला है। तो आप इस चीज को देख के ना घबराएं कि मेरे अटेम्प्ट इतने हैं, मैं इतने अटेम्प्ट कर रहा हूं, इतना स्कोर कर रहा हूं मॉक टेस्ट में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप वहां क्या करेंगे
45 मिनट्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या बनना है, ठीक है। तो अब आप देखिए 8 मिनट में ये करेंगे, 9 मिनट मान लीजिए, ठीक है ना, आप 10 मिनट मान लीजिए, ठीक है, आपको 2 मिनट का रिलैक्सेशन देता हूं कि आप 10 मिनट में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी DIs पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ये DI यहाँ पे 3 या 4 देखने को मिल सकती हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। इवन असिस्टेंट का भी मैं आपको स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, वो बात की बात है, वो मैं आप बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ आपके सामने, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं PO के बारे में, ठीक है। तो DI में पाई चार्ट आ सकता है, टेबुलर आ सकता है, लाइन आ सकता है, बार आ सकता है, कैश लेट भी आ सकता है। कैश लेट का मतलब आप समझते होंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है रिटर्न में, उसको आपकी DI बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत लेंदी काम है, तो मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको एट ए ग्लांस में, मतलब एक झलक में पता लगाना है कि मैं टेबल DI कर सकता हूं, डेटा आसान है, करना है, ठीक है। मैं पाई चार्ट कर सकता हूं, डेटा आसान है, करना है, लाइन मुझसे नहीं होगा, हार्ड है, छोड़ देना है फ्रेंड्स, छोड़ देना है। मैं आपसे कह रहा हूं जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस छोड़ेंगे ना, क्योंकि आपके पास टाइम ही कहां है, 10 मिनट आपने यहां खर्च कर दिए, 45 मिनट अपने पास हैं बस, तो आपको 35 मिनट बचे, ठीक है। अभी तो हमारा मैथ चल रहा है, ये समझ लीजिए, यहां टाइम बचा के हम रीजनिंग भी करनी है अभी हमें, ठीक है, इसी तरीके से हम करने की जा रहे हैं। आप हर चीज समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं कि पाई चार्ट में हमें क्या करना है, ये समझिए। आपको ये पता है कि पाई चार्ट में आता है करना है, टेबुलर आता है करना है, लाइन आता है करना है, और जो नहीं आता है वो नहीं करना है, देखना भी नहीं है उस क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि अगर आप अपने 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन भी कर आते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, तो आपके 52 नंबर आ जाएंगे मान लो, ठीक है, 50 नंबर एक्यूरेसी के साथ। और 50 नंबर मैं क्यों कह रहा हूं, 50 क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे ना, 40 मार्क्स का पेपर है, तो 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 नंबर में आपको ऐसी छोड़ने के लिए कह रहा हूं, 15 नंबर में आप 3 पजल भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का हमारे पास मार्जिन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 40 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, मैंने इतनी सारी पजल्स लगाई हैं तो मुझे करनी है, मैंने इतनी सारी DI लगाई है मुझे करनी है। ईगो पे मत लेना, एक क्वेश्चन भी जो नहीं आ रहा है उसको एक झलक में छोड़ दिया, और जो आ रहा है उसको करना ही है, और 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। आप डेफिनेटली RRB क्रैक कर लेंगे दोस्तों, जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि क्या छोड़ना है, इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप थोड़ी देर वेट करिएगा, ठीक है। अरिथमेटिक में आप किस क्वेश्चन को करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉफिट लॉस आप कर सकते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, एज वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, रेशियो वाला कर सकते हैं, ठीक है। यहां से 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आपके बन गए, ये बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और आप इनको कर सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत है इन चैप्टर्स की, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आधारभूत चैप्टर हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और कर सकते हैं अगर टाइम है तो। अगर आपकी घड़ी में 20 या 22 मिनट आप मैथ को दे दिए ना, 22 मिनट के बाद एक सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, आप रीजनिंग पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां से हमने 10 मिनट दिए थे आपको, आपको पता है हमने इन क्वेश्चंस में, इन पोर्शन में 10 मिनट दिए थे, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा है, 22 मिनट में 12 मिनट बचे हैं। 12 मिनट में आपको क्या करना है मैं बताता हूं, आपको 12 मिनट में पाई चार्ट और टेबुलर चार्ट के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4-4 ही करने हैं, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा उसको छोड़ देना, आपको पता लग जाएगा पढ़ते ही क्वेश्चन कि ये हार्ड है मुझे नहीं करना, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है मैं नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट टिप टप का ही है उनको। और कैसे करेंगे, देखिए पाई चार्ट तीन DI आने वाली है, तीनों DI में 3-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत आसान, बहुत आसान का मतलब समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। क्यों, देखिए आप जानते होंगे आपने प्रैक्टिस की होगी, तो देखिए कुछ क्वेश्चन रेशो के पूछता है, ठीक है, कुछ में एवरेज पूछता है किसी एक बंदे का, तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए हर DI में, हर DI में हो गए, है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछ लेगा, किसी एक से रिलेटेड पूछ लेगा और दूसरे से रिलेशन निकाल के उसका परसेंटेज पूछ लेगा, समझ रहे मेरी बात। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए हर DI में, 3 क्वेश्चन बन गए, क्यों 4th-5th क्वेश्चन को करके आप टाइम खराब करें, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे, मुझसे आप वादा करिए कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली आप RRB क्रैक कर जाएंगे फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, अर्थमेटिक में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका स्कोर आराम से हो जाएगा, 3-3 9 क्वेश्चन आप डेफिनेटली 6 या 7 मिनट में कर लेंगे 9 क्वेश्चन DI के, क्योंकि ईजी है ना,
इजी है इसलिए कर लेंगे, आपको बस ऐड करना है और रेशियो निकालना है फटाफट से, और आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी ही पड़ेगी, तो 7 मिनट में कर लेंगे। अब भी आपके पास 5 मिनट बचे हुए हैं ना, 5 मिनट में आप 4 क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ईजी आते हैं, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक का आपको ईजी चैप्टर लगे डेफिनेटली उस पर जाइए और ईजी करिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस देखते ही छोड़ना है आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चंस कौन सा नंबर का कहाँ पे है। अगर ये देखना है तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। आप जब भी आपने अगर प्रैक्टिस पेपर दिया होगा, यहाँ तो पता नहीं ऑनलाइन टेस्ट में ये फंक्शन देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर का एक लास्ट में राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें आप सारा क्वेश्चंस देख सकते हैं अपने, ओके। तो ये आपको मैं फंक्शनलिटी बता देता हूँ, पेपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड पे बॉटम में क्वेश्चन पेपर देखने का, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता सर कि ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, हमारा चैप्टर स्ट्रांग होता है और स्टार्टिंग में अर्थमेटिक आ जाती है और हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हम उनमें फंस के रह जाते हैं और हमें पता नहीं रहता है। तो फ्रेंड डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको पता लग गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको मैथ का चीज समझ में आ गई होगी, अब मैं रीजनिंग पे आता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आप 10 दिन में क्या करेंगे, ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन है, ये 40 मार्क्स का आता है, आपको पता है, ठीक है ना। 23 मिनट्स हमारे रिमेनिंग बचे थे, हमने 22 में क्वांट में कितने किए, हमने 22 मिनट हमारी वॉच चली। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने 23 मिनट्स पहले रीजनिंग की, 22 मिनट्स मैंने क्वांट में दिए, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्वांट पहले किया है तो 22 मिनट्स हमने पहले क्वांट में दिए, रिमेनिंग हमारे पास 23 मिनट्स बच गए। ये समझ में आया, 22 मिनट्स में आपने कितने मार्क्स लाए क्वांट में, ये देखिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में किए थे, ये आपको पता है, तो 13 मार्क्स तो यहाँ से आ गए क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ है। आपने 9 क्वेश्चन DI में किए हैं, ठीक है, तो ये मैं बहुत मिनिमम मार्क्स लेके चल रहा हूँ आपके, बहुत मिनिमम, आप इससे भी तेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत तेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम मैं बताऊंगा आपको कितने मार्क्स ला सकते हैं आप इन 22 मिनट्स में, ठीक है। देखिए मिनिमम मार्क्स पहले लेते हैं फिर मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज से जूझ रहे हैं कि सर हमारा स्कोर 41 45 46 रह जाता है, 50 के क्रॉस नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स ये मेरी बात समझ लीजिए आप, कि अगर स्कोर 45 46 रह रहा है ना, तो आप डेफिनेटली RRBPO के एग्जाम में सेलेक्ट हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स आप इंक्रीज कर लीजिए मॉक टेस्ट के हिसाब से, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट में पजल कैसी भी आ जाती है और हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, इसलिए हम 5-10 मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है। और पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट वाले हर कोई क्वेश्चंस डालना चाहते हैं जो बच्चे को अच्छा लगे, ठीक है, सीरीज अच्छी लगे, ये मैं आपको पर्सनली बात कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिए कि हमारे 45 आ रहे हैं 40 आ रहे हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स गेन होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आप बस इस स्ट्रेटजी को देखिए, मिनिमम की बात करेंगे फिर मैक्सिमम की बात करेंगे, और कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 9 और हम 4 महीने अर्थमेटिक में किए थे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमने सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं, और सॉरी ये हमने DI में किए हैं, ठीक है ना, ये सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड, तो ये आपके 100% मार्क्स हैं, आप ये समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ ना, मिनिमम में ये एक नंबर भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स आपका, क्योंकि आप बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, समझदारी से काम करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ भी आप कितना स्कोर कर रहे हैं, 26 मार्क्स आप लेके आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, एक भी गलत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, एक भी गलत नहीं है इसमें अभी भी, क्योंकि आपने कुछ तुक्का मारा ही नहीं है, आपने कुछ ऐसा सॉल्व किया ही नहीं है जो अनवांटेड हो, मैंने सारे छोड़वाए थे, जो आपको नहीं आते वो छोड़ो, एक झलक में छोड़ो, छोड़ना आना चाहिए। तो 26 मार्क्स आप यहां से गेन कर रहे हैं, अभी हम मैक्सिमम की बात करेंगे, पहले मिनिमम समझ लिए, 22 मिनट्स में बहुत अच्छा स्कोर मानता हूं मैं, क्यों आप समझिएगा आगे। 23 मार्क्स की बात करते हैं पहले, 23 मार्क्स में नहीं चलेंगे, ये रीजनिंग पोर्शन है, यहां आपको सिलोगिज्म, आप ये सोचते हैं ना कि नया पैटर्न आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न आ जाएगा, वो सबके लिए आएगा फ्रेंड्स, और सब ही, और ये नहीं है कि कोई कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न बहुत बहुत फास्ट तरीके से कर सकता है कि 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए, कोडिंग समझने में टाइम लगता है, आपको टाइम लगेगा, हर किसी को टाइम लगेगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे एग्जाम देंगे सबको टाइम लगेगा, सिलोगिज्म में रिवर्स आ गया, आपको भी टाइम लगेगा और उनको भी टाइम लगेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप ऐसा घबराएं नहीं कि हमारे लिए पेपर हार्ड आएगा,
इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज बैंक में ये है कि स्केलिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। तो आप सिलोगिज्म के 5 में से 5 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं आसानी से, अगर सिंपल आ जाए, रिवर्स आ जाए तो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जहाँ आपको टाइम लग रहा हो वहाँ बिल्कुल छोड़ दें फ्रेंड्स। मैं आपसे ये, आप बिल्कुल भी ना फंसें कि मैंने सिलोगिज्म की प्रैक्टिस की है, रिवर्स मैं कर लूँगा, तुक्का एक भी नहीं मारना है, गलती एक भी नहीं करनी है, ठीक है। गलती होती है, आई नो, एक दो चलता है, ठीक है। यहाँ 5 में से 5 मार्क्स ला सकते हैं आप, बिल्कुल ला सकते हैं अगर आपने प्रॉपर मेहनत की है सिलोगिज्म के ऊपर। एक ये मार्क्स, 5 में से 5 मार्क्स आप 3 मिनट्स में ला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 3 मिनट्स बोल रहा हूँ, ये मैंने फिक्स टाइम बताया है, करते हैं, बहुत से बच्चे लाते भी होंगे अपने, आपको भी ये करना है। 10 दिन में क्या करना है ये मैं बताऊंगा, सब्र कीजिए इस चीज़ के लिए, तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है। अब इनइक्वलिटी पे आते हैं फ्रेंड्स। इनइक्वलिटी आपको यहाँ तो मार्क्स छोड़ने नहीं है, 5 out of 5 चाहिए मुझे 3 मिनट्स में, ठीक है। यहाँ भी 3 मिनट, यहाँ भी 3 मिनट टाइम लगता है, देखिए अरेंज करने में और कंक्लूजन देखने में और वाला आइदर और वाला केस देखने में बहुत टाइम लगता है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है इस चीज़ की कि 3 मिनट में आप कर लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन 6 मिनट में आपने कर लिए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। 6 मिनट में आप 10 मार्क्स यहाँ से गेन कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कितने मिनट बचे हैं, 17 मिनट्स बचे हैं, ठीक है ना। 17 मिनट्स में क्या करना है ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है। तो आप ये मिसलिनियस जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको जो आपको आसान लगता हो, एक दो क्वेश्चन वो आते हैं कि एक कोई अल्फाबेट दे रखा होता है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको जमाइए, फिर सेम नंबर पे कौन है ये देखना होता है। एक ये होता है कि कितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतलब सेम स्थान पे हैं ये देखना होता है। तो मिसलिनियस में एक दो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट वाला, कि हीरो इज कोडेड एज HBST जो भी आता है, ठीक है ना। तो ये मिसलिनियस के आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिसमें एक्यूरेसी अच्छी हो ना, तो उसमें बिल्कुल ये एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर सकते हैं आसानी से मिसलिनियस की, जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, वो बता रहा था ना, वो उस टाइप के, ठीक है ना। अब आती है बात आपकी कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट। ये कहते हैं लोग कि इनपुट आउटपुट मेन का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग मेन का टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस इन पैटर्न को देखने को मिल सकता है आपको, बिल्कुल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि RRB और बैंक IBPS वाला कुछ भी चेंजेस कर सकता है अपने पैटर्न में। तो आप इन चीजों से घबराएं नहीं, आप हर चीज की प्रैक्टिस करें। आजकल बहुत फैशन चल रहा है कि सर न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है। फ्रेंड्स, न्यू पैटर्न कुछ भी नहीं है, बस वो अल्फाबेटिकली घुमा रखा है, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस भी करिए और पुराना पैटर्न भी मत छोड़िए। RRB पुराना पैटर्न, अगर आपने न्यू पैटर्न की प्रैक्टिस करी और बाई चांस मान लीजिए पुराना पैटर्न दे दिया, तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, आपकी तो प्रैक्टिस नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस दोनों की करिए, ठीक है ना, कि आप जल्दी क्वेश्चंस को पकड़ सकें, ठीक है। इनपुट आउटपुट टाइम लेता है, छोड़ना है, छोड़ना है फ्रेंड्स। इनपुट आउटपुट टाइम लेता है, छोड़ना है, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ना है, देखते ही छोड़ना है, ये नहीं, कोशिश नहीं करनी है। अगर आपने कोशिश कर दी ना, तो आपने टाइम दे दिया, ठीक है। अब आते हैं हम अल्फान्यूमेरिक। 5 out of 5 देगा फ्रेंड्स, 3 मिनट में देगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली 3 मिनट में 5 out of 5 देगा, कुछ भी नहीं है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये ठीक है। मिसलिनियस में आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इन टॉपिक का यहाँ पे स्पेस नहीं था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 3 मिनट्स में हो गए, तो 5 क्वेश्चन, तो ये हो गए 15 मार्क्स, प्लस 5 कर दिया तो आपके पास 15 मार्क्स आ गए, ठीक है ना। कितने हुए, 9 मिनट हुए, 15 मार्क्स आप चल रहे हैं, देखिए कितना लीड कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ आप अपना 2-3 मिनट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, किसी की स्पीड अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन आपको एक्यूरेसी जरूर रखनी है फ्रेंड्स, ये आप बहुत जरूर ध्यान रखें। एक्यूरेसी डेफिनेटली इस एग्जाम है ना, ये RRB, इसमें बहुत रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक आपको पूरा का पूरा करना है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड, अब मेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेरे दोस्तों, आप पजल लगा रहे होंगे, डेफिनेटली लगा रहे होंगे, कुछ पजल आपसे सॉल्व होती हैं, कुछ पजल आपसे टाइम लेती हैं, पजल सारी सॉल्व होंगी, लेकिन टाइम जो लगता है ना, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप पजल करने के बाद, पूरी करने के बाद एग्जाम में नहीं सिलेक्शन ले पाते हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि पजल आपको वही सेलेक्ट करनी है जो आपके कंपेटेबल हो, जिसमें आप बिल्कुल डैम श्योर हो कि मैं इस टाइप की, टाइप आता है देखिए, आपको पता है रेक्टेंगल वाली आ सकती है, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं जिनको, इन वाले आसानी से हो जाते हैं, आपको पता होगा।
इन आउट वाले में प्रॉब्लम आती है, ये भी आपको पता होगा। लाइन वाले में ऊपर हो, मतलब सारे नॉर्थ की तरफ हो, तो आसानी से हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता लग जाएंगी। अगर देखिए आपका 10 तारीख को पेपर है तो ये एडवांटेज आपके लिए सबसे ज्यादा है कि 9 तारीख की जिनका एग्जाम होगा वैसा ही एग्जाम 10 तारीख को आने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये आपके लिए एडवांटेज होगा 10 तारीख वाले बच्चों के लिए कि उनको पैटर्न पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है जिनका 10 तारीख को एग्जाम है या 16 तारीख को एग्जाम है, ठीक है फ्रेंड्स। 16 तारीख के लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको 6 दिन के लिए प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई, पजल सिटिंग अरेंजमेंट वही करना है जिसमें आप बहुत बहुत श्योर हो, ठीक है ना। यहां से आप अगर एक दो पजल भी कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो 10 मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। मैं दो पजल में 10 मार्क्स में आपके मानता हूं 12 मिनट, 6 मिनट, 6-6 मिनट मान रहा हूं, 7-7 मिनट मान लिए, 12 से 14 मिनट मान लीजिए 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए तो 15 और 10, 25 मार्क्स आपके यहां हो गए हैं अभी, ठीक है। और हमारे पास कितने मिनट बचे थे, 9 तो यहां हो गए थे, 6 और 3 9, ठीक है, 6 और 3 9। और कोडिंग डिकोडिंग हमने अभी बात नहीं की, हमने छोड़ने की बात की इसकी अभी, है ना, 6 और 3 9 मिनट, 9 और 12, ठीक है, 21 मिनट। तो हमारे पास अभी 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन का आता है, डायरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, मिसलिनियस में आप ये सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 मिनट में आप आराम से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार डायरेक्शन का बनाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 28 स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में 23 मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स, 28 स्कोर कर रहे हैं जहां आपने रिस्क नहीं लिया है अभी तक, ठीक है ना। और आप, अब मैं मार्जिन बताऊंगा क्या होने वाला है, 28 और यहां हमारे कितने आ रहे थे, 26, ठीक है, तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 54। ये फ्रेंड्स सेफ स्कोर है, मिनिमम सेफ स्कोर मानेंगे हर एक एस्पिरेंट्स के लिए जिसने कुछ सब कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, कुछ कुछ पढ़ा है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग छोड़ दिया हमने, एक पजल छोड़ दी जो हमें हार्ड लग रही थी, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ही तो सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक हमें करना है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं अपना अगला सेशन कि कैसे करेंगे 10 दिन में, हम क्या करने वाले हैं 10 दिन में। आई होप आपको ये सब स्ट्रेटजी समझ में आई होगी कैसे मार्क्स लाने हैं। अगर आपने यहाँ 100% एक्यूरेसी रखी ना फ्रेंड्स, तो ये आपके 54 है ना, 58 बनने में टाइम भी नहीं लगाएंगे स्केलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये आपके लिए मेजर एडवांटेज हो सकता है 58 मार्क्स लाना 54 से, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इस एग्जाम में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब आपको 10 दिन क्या करना है मैं बता देता हूँ। 10 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करिए, और ये प्रैक्टिस करिए कि मुझे क्या छोड़ना है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर ली ना, तो डेफिनेटली आज से ही आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपसे डेफिनेटली बहुत श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा अगर आप आज से ही 2-2, 3-3 टेस्ट दिन में देंगे ना। बिल्कुल दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, अपना स्टॉप वॉच लगाइए, टाइम लगाइए 45 मिनट्स, और 22-23 मिनट्स में बांट लीजिए, क्योंकि रीजनिंग को टाइम देना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आप सोचेंगे कि 20 मिनट में हम रीजनिंग कर लेंगे और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजनिंग भी अच्छा खासा टाइम लेगा अपना, और रीजनिंग भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लिए देगा सॉल्व करने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, पेपर सबके लिए एक जैसा आएगा, जैसा आपके लिए आएगा वैसा इस इंडिया में जो भी आरआरबी का एग्जाम देगा उसके लिए आएगा, ठीक है। तो इस चीज से घबराए नहीं, आपके लिए ऑल द बेस्ट, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई और प्लान समझ में आ गया, तो आप नहीं रुकेंगे फ्रेंड्स, कहीं भी नहीं रुकेंगे। आईबीपीएस पीओ भी आने वाला है, और ये बैंकिंग की स्ट्रेटजी सदाबहार स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, ये हमेशा चलेगी, एवरग्रीन स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज करें, आप डेफिनेटली अपने अंदर फर्क देखेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।